अस्सलाम वालेकुम जी, आपको लर्न्स लर्न अकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन लेक्चर कैसे ले सकते हैं, क्लास कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ये दोनों मेंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं ऑनलाइन के लिए जूम एक एप्लीकेशन है ये रिकमेंड करता हूँ। आप अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। लैपटॉप पे करने के लिए आप सबसे पहले जूम का ये लिंक डालें, इसको यहाँ से डाउनलोड करें, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ और मेरे पास ये एप्लीकेशन डाउनलोड फोल्डर में मौजूद है। जब ये एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपने इस पर डबल क्लिक करके रन करना है। तो ये क्या करेगा, आपने करना है यस। और ये सीधा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जूम यहाँ पे ऑन हो गया। अब नेक्स्ट वन इज द, आप अगर तो मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे जो बंदा मीटिंग कंडक्ट कर रहा है वो आपको आईडी पासवर्ड भेजेगा, आपने यहाँ पे आईडी लिखना है, आप उसको ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट वो पासवर्ड पूछेगा, आपने वो भी लिख देना है, तो फिर आप ज्वाइन करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। खैर इस पे बाद में आते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने एज अ टीचर इसको स्टार्ट कैसे करना है। हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन से मुराद ये है कि अगर आपका पास आपने आईडी बनाई हुई है ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, इन तीन फॉर्मेट की मदद से अपनी आईडी बना लें। साइन इन विद SSO इसको छोड़ दें, आप गूगल से बना सकते हैं, आप फेसबुक से बना सकते हैं। मैं गूगल से बनाने की ट्राई करूंगा तो मेरे सामने कुछ ये विंडो ओपन हो रही है, तो मैं जनाब यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने पहले वाले जीमेल अकाउंट पे बनाई हुई है, मैं दूसरे अकाउंट पे इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि हम कैसे बना सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना मंथ, अपनी डेट, अपना ईयर डिसाइड करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जनाब आपका जो है उसमें एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट अपने आप को साइन इन करूँगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे वो लगा हुआ है, तो मैं इससे इसमें से अपने आप को क्या कर रहा हूँ, साइन इन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपनी आईडी लिख देता हूँ, rogerslan8@gmail.com, और उसे साइन इन करता हूँ। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मीटिंग या अपना अकाउंट बनाने के बाद की बात है। खैर ये अकाउंट हमारा बन गया, मैंने साइन इन कर लिया अपने आप को। सबसे पहले मैं साइन अप करूंगा अकाउंट बनाने के लिए, फिर साइन इन। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है होस्ट आ मीटिंग, ज्वाइन अ मीटिंग, होस्ट मीटिंग। आप अगर मीटिंग या क्लास कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप क्लास लेना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। मैं जनाब क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। वो कहते हैं जी विद वीडियो ऑन या विद वीडियो ऑफ या सिर्फ स्क्रीन शेयर आपने करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो भाई नज़र ना आए तो आप इस पर क्लिक करें, अगर आपकी वीडियो आए तो इस पर क्लिक करें, अगर आपकी स्क्रीन शेयरिंग हो तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें। मैं फॉर एग्जांपल वीडियो ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कहता है जी जूम लॉन्चर पे आप आ जाएं, लॉन्चर से मुराद जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है ये उसकी बात कर रहे हैं। खैर अरसलान मसूद, ये जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसने मुझे क्लिक किया हुआ है। अभी क्योंकि अंधेरा है, इसका जो है रिजल्ट आपके सामने कुछ आ रहा है, तो उसके बाद फिर आप क्या करें जी, कंप्यूटर ऑडियो के साथ इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। खैर ये है एक तरीके का, मैं इसकी स्क्रीन जो है वो क्या कर सकता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्टॉप वीडियो पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो वीडियो है वो शो नहीं हो रही होगी, अलबत्ता बाकी चीज़ें मेरी चल रही हैं, मतलब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ जी मैं अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को इसमें ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगा आप क्या करें कि जूम पे आ जाएं। उसके लिए स्टूडेंट को जूम एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या ISO का जो है ऐप स्टोर, उसमें जाके जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जूम को आप ओपन करें, उसमें एक ऑप्शन होगी ज्वाइन अ मीटिंग पे, वो क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चे को बताता हूँ, भाई आप क्या करें कि मीटिंग आईडी ये वाला डालें, कौन सा, 772 772 772 050, सॉरी 050573 53।
और बच्चा इसे ज्वाइन पे क्लिक करेगा। अब साथ ही बच्चा कहेगा सर पासवर्ड बताएं, तो जेंटलमैन आपने ये वाला पासवर्ड शेयर करना है जिसमें अल्फाबेटिक भी है न्यूमेरिक भी है, जैसे 9 कैपिटल B, फिर कैपिटल C, फिर आपका B, फिर आपका Z एंड देन न्यूमेरिक वैल्यू में 3। मैं उसे कंटिन्यू करता हूँ, तो जनाब क्या होगा, अब मीटिंग ज्वाइन होगी। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा अगेन। जो बच्चा है जो मोबाइल फोन से कनेक्ट हो रहा है वो ज्वाइन विद वीडियो भी कर सकता है एंड ज्वाइन विदाउट वीडियो भी कर सकता है। मैं एक दफ़ा ज्वाइन विद वीडियो करता हूँ, ठीक है जी, वो हो गया। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मोबाइल में नाम रखा हुआ है अरसलान आईफोन, तो ये आ रहा है एडमिट। ये बच्चा जनाब पासवर्ड इसने लगा लिया, आपके रूम में आना चाह रहा है, आप इसको एडमिट करें। तो जनाब आपके सामने अब जैसे देखेंगे जी आ गए हैं। ओके कॉल यूजिंग ओके ऑडियो, कॉल यूजिंग ये आपको आवाज आ रही है। ये बेसिकली ये आपको मेरी जो आवाज वीडियो चल रही है ये आ मोबाइल फोन से रही चल रही है, ठीक है जी, ये देख सकते हैं। अब आप एक से ज्यादा स्टूडेंट को इसमें ऐड कर सकते हैं, वन बाय वन अपना लिंक शेयर करते जाएं उनके साथ, ठीक है जी। अब जैसा कि आपने ये देखा है कि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी, ये डिस्टॉर्शन इंटरनेट की क्वालिटी कम होने की वजह से भी हो सकती है, और उसके साथ साथ अगर आप मोबाइल फ़ोन लैपटॉप के पास रखेंगे या दूसरा मोबाइल फ़ोन भी आपके पास होगा तो उससे भी आपकी डिस्टॉर्शन बढ़ सकती है। मेरे पास यहाँ पे ज़रा दो तीन डिवाइसेस पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से ये डिस्टॉर्शन बढ़ रही है। खैर उसके बाद आप अपनी मीटिंग को भाई रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मतलब जो जो बात आपकी हुई है, अब उसके बाद आप उसको बाद में स्टॉप भी करें ताकि आपके पास ये पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि भाई वाकई हमने ये मीटिंग कंडक्ट की थी। खैर ये करने के बाद मैनेज पार्टिसिपेंट आप कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट आया था जो कि ये था, अब ये जा चुका है। आप आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर सकते हैं, इनकी सब की तस्वीरें यहाँ पर शो भी हो सकती हैं ऊपर। तो ये है जी जूम का करने का। अब इसके साथ साथ आपको मगर ये बताऊँ कि आप और चीज़ें क्या शेयर कर सकते हैं, ये आप शेयर स्क्रीन पे जाएं, आप जनाब अपने सिस्टम की जो चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं वो शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्रोम को शेयर करता हूँ, ठीक है जी, और क्रोम में जो जो मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है वो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। आप ये देख सकते हैं मैं अपना यूट्यूब चैनल शेयर कर रहा हूँ, मैं ये जूम शेयर कर रहा हूँ, मैंने एक और टैब खोली हुई है ये शेयर कर रहा हूँ। और जब आप समझ रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर आपने यूट्यूब खोली है तो आप जनाब इस पर कोई भी अपना लेसन या वीडियो जो दिखाना चाह रहे हैं आप उनको दिखाएं। आपने अगर PDF फॉर्म में कुछ खोला हुआ है आप वो भी दिखा सकते हैं कि बेटे ये पेज नंबर है, आप यहाँ से यहाँ पर आएँ। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि जी अब आपने कुछ शेयर नहीं करना, आप स्टॉप शेयरिंग करते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप दोबारा से अपनी वीडियो जो है उसके थ्रू बच्चों को कोई बात समझाना चाह रहे हैं आप उस पर आ जाएं, वीडियो अपनी ऑन करें, आप अगर स्टॉप करना चाह रहे हैं आप उसको स्टॉप करें। अगर स्टूडेंट जो हैं कोई वीडियो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग से और आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से आवाज़ ना जाए तो आप इस पर क्लिक करें, मतलब आपकी तरफ से कुछ जो पीछे से शोर है वो नहीं आएगा, आप उसको दोबारा ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चैट है जी, ये लाइव चैट आपकी चल सकती है किसी के साथ अगर आप करना चाहें या स्टूडेंट्स के साथ। और ये अगर कोई बच्चा आपको सही जवाब देता है आपके सवाल का आप उसको जेस्चर दे सकते हैं गुड का या क्लैपिंग का। सो ये बेसिकली उसके बाद अगर आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है आप उसको एंड स्क्रीन कर दें। अच्छा याद रहे एंड मीटिंग ठीक है फॉर ऑल, आपने सब की भाई मीटिंग ख़त्म कर दी, यहाँ पे ये दोबारा से ही आ रहा है। अच्छा इस बात का ख्याल रहे कि यहाँ पे एक और चीज़ भी प्रॉब्लम आती है कि 40 मिनट का टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ, कि आपने क्या करना है कि सिर्फ 40 मिनट के लिए आप इस एप्लीकेशन में लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब लोगों को आपस में या खुद भी हो सकते हैं। आप 40 मिनट के बाद दोबारा से कर लें। अब इसका अब आपका सवाल होगा कि सर हम वन बाय वन सबको लिंक भेज दे जाएंगे। आप वन बाय वन लिंक ना भेजें, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सबको उसमें ऐड करके आप एक ही दफ़ा यूज़र नेम आईडी पासवर्ड शेयर कर दें ताकि बच्चे उसमें ऐड होते जाएं और आप उसको एक्सेप्ट 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 करते जाएं। सो ये था बेसिकली छोटा सा ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी आप अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपनी सजेशन कमेंट में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।